अगर गाइस 1v4 सिचुएशंस में आप भी पैनिक कर जाते हो, जैसे आपके सामने चार बंदे आते हैं तो आप सोच में पड़ जाते हो कि मुझे अब क्या करना है, लेकिन जब तक आप सोचते हो ना तब तक बहुत देर हो जाती है और वो फाइट्स आप लूज कर देते हो, तो भाई ऐसा आपके साथ होता है ना, तो ये वाली जो वीडियो है ना पूरी आपके लिए होने वाली है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड फाइनली आज की कोंडियो टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो के साथ में। तो गाइस आज की वीडियो में जैसा कि आपने भाई इंट्रो देख लिया होगा, हम बात करने वाले 1v4 सिचुएशंस के बारे में। मतलब भाई मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जब भी आप भाई ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो, लाइक जहां पे आपके सामने चार बंदे होते हैं, आपको क्लच करना रहता है, 1v3 आपको करना रहता है, 1v4 आपको करना रहता है, तो बहुत से लोग वहां पे पैनिक कर जाते हैं। तो आपको वहां पे करना क्या होता है, कैसे आपको काम लेना पड़ता है, वहां पे स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए आपकी, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो अभी तक लाइक नहीं किया ना भाई वीडियो को, तो सबसे पहले भाई वो कर देना क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देखो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस के लिए जो कि आपकी गेम प्ले को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करती रहती है। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके यार गाइस, तो देखो सबसे जो पहली चीज हमारे सामने आ जाती है ना, लाइक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लाइक देखो डिवाइस आप एक साइड रख दो, आपकी स्किल्स एक साइड रख दो, लेकिन जो माइंडसेट है ना भाई वो एक साइड रख दो, क्योंकि माइंडसेट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा ना, लाइक आपको ऐसा लगेगा नहीं अंदर कि हाँ मैं भाई क्लच करने वाला हूँ, मेरे को मारने चार बंदे में कैसे भी करके मारूंगा, तब तक भाई क्लच करना है ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन भाई ऐसा कोई भी नहीं सोचता कि मुझे क्लच करना है, मुझे यहाँ पे 1v4 करना है, सब वहाँ पे सोचते कि भाई मैं मरना नहीं चाहिए, बस कैसे भी करके मेरी माइनस नहीं लगनी चाहिए। लेकिन मैंने एस इतनी मुश्किल से पुश किया, एक राउंड पे मैं इतनी मुश्किल से पहुंचा हूं, मेरी माइनस वहाँ पे लग गई ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, केड़ी मेरी वहाँ पे कम हो जाएगी, सबकी थिंकिंग भाई ज्यादातर जो बंदा है ना उनकी यही रहती है आजकल। तो गाइस देखो तुम चाहते हो अगर तुम्हारा गेम प्ले इंप्रूव हो जाए, तुम्हारी स्किल्स बिल्ड हो जाए, तो सबसे पहले तो भाई केड़ी एंड रैंक की परवाह करना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि यही जो चीज है ना भाई, ये जो दो चीज है यही तुम्हारे गेम प्ले को भाई इंप्रूव बिल्कुल भी नहीं होने देती। अब देखो भाई यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज करो भाई आपको अपनी क्लोज रेंज इंप्रूव करनी है। भाई देखो क्लोज रेंज ऐसे तो इंप्रूव होगी नहीं कि पीछे बैठ के आप स्नाइपिंग कर रहे हो, बंदों को कवर दे रहे हो, उसके लिए भाई आपको अंदर जाके मारना पड़ेगा, बंदों के अंदर घुसना पड़ेगा, 1v1 आपको लेना पड़ेगा। लेकिन वहीं भाई अगर आप रैंक की दिक्कत कर रहे हो, रैंक की आपको परवाह है बहुत ज्यादा, कीड़ी की आपको परवाह है, तो भाई वहीं पे ना आप पीछे लेके ज्यादा फाइट लोगे, लाइक आपको डर रहेगा कि मैं 1v1 अगर लूंगा ना, लाइक पहले मैं घुस गया अंदर तो भाई मेरे को नॉक फिनिश वो डाल देंगे। तो ऐसे में भाई अगर आप इनकी चिंता करोगे ना लाइक रैंक वगैरह की, तो भाई कभी भी आपको इंप्रूवमेंट्स आपके गेम प्ले में नहीं दिखने वाली है। तो यही मैं एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई देखो केडी की और या फिर रैंक की है ना, जब तक तुम परवाह करते रहोगे ना, जब तक उनकी चिंता करते रहोगे तुम, तब तक भाई इंप्रूवमेंट्स तुमको ज्यादातर नहीं दिखने वाले हैं। भाई इतनी लंबी चौड़ी बात मैंने इसलिए बोली है कि भाई ताकि आपको समझ में आ जाए कि माइंड सेट ही भाई सब कुछ होता है। जब तक आप चिंता करते रहोगे ना किसी चीज की, तब तक भाई आपको भाई गेम प्ले में मजा आने वाला नहीं है, आपको इंप्रूवमेंट्स दिखने वाली नहीं है, 1v4 आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको डर रहेगा कि भाई मैं मर गया तो मेरी माइनस लग जाएगी, मेरी केडी वहां पे डूब जाएगी। तो सबसे पहले तो भाई इन सब की टेंशन लेना बिल्कुल बंद कर दो, एंड तब जाके खेलोगे ना भाई तुम एकदम फ्रेश होके खेलोगे, तब जाके भाई तुम्हारी जो असली परफॉर्मेंस है ना भाई वो निकल के आएगी। अब यहाँ पे भाई ये वाली क्लिप में देख लो, हर बार मैं भी क्लच नहीं कर पाता हूँ, यहाँ पे तीन बंदे तो मैं नॉक कर दूंगा इजिली, लेकिन जो लास्ट वाला बंदा है ना भाई वो ऑफ एंगल से मार जाएगा। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, आपकी भी कोई गलती नहीं होगी कि हाँ भाई आपको चौथे ही एंगल से कोई बंदा मार के चला गया, तो उसमें अपनी कोई गलती नहीं है। लेकिन जब तक भाई हमारे सामने जितने बंदे आ रहे ना, हमें उतनों को डाउन करना है, तब जाके भाई आपका गेम प्ले कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि भाई मेरा इंप्रूव हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ये देखो बंदा कहाँ पे छुपा हुआ था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था इसका, जैसे मुझे दिखा मैंने मारने की कोशिश की, लेकिन तब तक भाई मैं डेड हो चुका था। तो भाई कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, अपने 1v3 एटलीस्ट किया वहाँ पे। एंड गाइस ऐसे ही सेम तरीके से आपको अपने आप को चीयर करना है वहाँ पे, आपको सोचना है कि हाँ 1v3 मैंने कर दिया, लेकिन जो लास्ट बंदा था वो ऑफ एंगल पे था, अगर वो सामने होता ना तो उसे भी मैं मार देता। तो ऐसे भाई आपको चीयर अप करके खेलना है, खुद को डीमोटिवेट कभी भी नहीं होने देना है कि यार यहाँ पे मैं क्लच कर सकता था, और भाई उसी सिचुएशन को तुम लेके बैठ रहते हो, तो ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो माइंड सेट एकदम फ्रेश रखना है, अगला मैच खेलोगे फिर से वहाँ पे क्लच करने की तुम्हें कोशिश करनी है, अच्छे से खेलने की ट्राई करनी है, एंड ईजिली तुम्हारा गेम प्ले भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने लग जाएगा। ओके यार गाइस, तो देखो माइंडसेट के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है ना, वो आ जाती है गेम सेंस। ऐसा कह लो कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ही चीज होती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा भाई कब आपको स्मोक करना है, कब आपको नीड करना है, कब आपको रश करना है, कब आपको फॉल बैक करना है। तो भाई ये छोटी छोटी चीजें आपको जब तक पता नहीं होगी ना, तो भाई अच्छे लेवल पे खेलना है ना बहुत ज्यादा मुश्किल आपके लिए होने वाला है। क्योंकि ऑफकोर्स भाई छोटी जो डायमंड टीयर की लॉबीज होती है, क्राउन टीयर की लॉबीज होती है ना, उसमें तो अपन अच्छा खेल सकते हैं। अब यहाँ पे ये देख सकते हो मैं भी अभी डायमंड टीयर की लॉबी खेल रहा हूँ, तभी तो भाई मैं ओपन में चला जाता हूँ, यहाँ पे बंदे मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वहीं अभी भाई मैं कॉन्क्यूरर लॉबी में होता ना, तो मैं ऐसा ओपन में जाके वहां पे मारता हूं, आपको दिखता नहीं। क्योंकि भाई देखो कॉन्क्यूरर लॉबी में होता क्या है ना कि बंदे सारे एकदम रियल आते हैं और ऊपर से अच्छा खेलने वाले बंदे होते हैं। यहाँ पे देखो इनको फीस करने की मैंने ट्राई की, बट फिर भी ये मुझे मार नहीं पाए। लेकिन यही चीज मैं अगर कॉन्क्यूरर लॉबी में करता ना, तो मेरी पेटी वहां पे बन चुकी होती। पहली बात तो मैं करता ही नहीं वहां पे, क्योंकि मुझे पता था भाई बंदे वहां पे अच्छे आने वाले हैं। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना है ना, 1v4 सिचुएशन खास करके, तो वहां पे भाई गेम सेंस अच्छा होना है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो चार बंदे
जगह पे भाई अलग अलग एंगल से चढ़ने वाले हैं, तो आपको कहाँ पे मॉली करना है, कहाँ पे आपको स्मोक करना है, कहाँ पे आपको फॉल बैक करना है, तो ये सारी चीज़ें ना भाई पता होनी चाहिए। तो गेम सेंस के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ भी थोड़े दिनों में, मैं डाल दूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना ताकि आपको पता चल जाए जब भी मैं वीडियो डालूँ। सो देखो गाइस, गेम सेंस के बारे में तो मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बता ही दूंगा, लेकिन जो गेम सेंस के साथ जो दूसरी चीज़ आ जाती है ना हमारे पास, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब 1v4 सिचुएशंस में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ होती है, और वो होती है हमारी कामनेस भाई। आपको बहुत ज़्यादा शांत वहाँ पे रहना पड़ेगा, आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप वहाँ पे शांत रहोगे ना तो पैनिक आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो भाई देखो, आपको जितना हो सके ना उतना ज़्यादा शांत रहना है, और शांत जितना ज़्यादा रहोगे ना भाई उतना ही ज़्यादा आपका जो दिमाग है ना वहाँ पे ज़्यादा तेज़ काम करने वाला है। फटाफट से आप सोच पाओगे कि अभी मैं नीचे जाता हूँ, अभी मैं ऊपर जाता हूँ, वहाँ पे नेड करता हूँ, वहाँ पे मॉली करता हूँ, वहाँ पे मैं स्मोक करता हूँ, तो ऐसा आपका काम चलेगा ना भाई, तो बहुत ज़्यादा सही आपके लिए रहने वाला है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप काम रह के खेलोगे ना तो आप कोई भी सिचुएशन में क्लच कर सकते हो। अब ऑफकोर्स भाई वहाँ पे देखो डिवाइस भी मैटर करता है, स्किल्स भी मैटर करती है, अगर आपकी गन पावर ही अच्छी नहीं है तो भाई आप एकदम शांत होकर खेल रहे हो क्या ही फायदा उस चीज़ का। तो देखो गन पावर डिवाइस वगैरह वो तो इम्प्रूव आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके भाई आपका जो ये सारी चीज़ें हैं ना, जो सारे फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, वो आपके वहाँ पे काम करने वाले हैं। ओके यार गाइस, तो देखो अभी तक जितनी भी टिप्स थी ना जो मुझे आपको देनी थी वो तो मैं दे चुका हूँ, लेकिन अभी बात कर लेते कुछ फैक्ट्स की। तो सबसे जो पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है ना, लाइक जो गलती आ जाती है हमारे पास, वो आ जाती है कि भाई बंदे है ना, जैसे उनके ऊपर चार बंदे चढ़ रहे होते हैं ना, तो भाई वो एक ही जगह कैंप करके बैठ जाते हैं या फिर एक जगह टीपी पे ले लेते हैं। लेकिन भाई आजकल बंदे पता है क्या करते हैं, चारों तरफ से वो रैप कर लेते हैं आपको, थोड़ी सी भी आपकी लोकेशन अगर उनको पता चल गई ना तो भाई उनके दो बंदे अलग एंगल से मारेंगे आपको, दो बंदे अलग एंगल से मारेंगे, तो ऐसे में भाई एक जगह टीपी पे लेने का तो कोई फायदा ही नहीं बनता है। आप किसी भी क्लिप में देख लेना यहाँ पे, तो भाई मुझे ऑफ एंगल से पढ़ने वाली रहेगी। तो भाई ऐसा ही आजकल गेम चलता है, सारे बंदे भाई स्मार्ट हो चुके हैं, सबको पता होता है कि कैसे रोटेशन देनी है, कैसे फॉल बैक करना है, तो वो सारी चीजों करके आता है पहले से। तो भाई ऐसे में भाई अगर आप एक जगह टीपीपी लेते रह जाओगे ना, तो भाई कभी भी आपको जो है गेम प्ले में इंप्रूवमेंट्स नहीं दिखने वाली, ऐसे सिचुएशन में आप मरने वाले हो मोस्ट प्रोबेबली। तो देखो भाई सबसे पहले तो है ना, आपकी मूवमेंट जो है ना वो कभी भी नहीं रोकनी आपको। सपोज करो आप किसी भी बिल्डिंग में हो, तो वहाँ पे भाई आपको भागते रहना है, एक जगह पे कभी भी कैंप नहीं करना है, तो इससे भाई देखो आगे वाले जो बंदे हैं ना उनकी भी फटती रहती है कि हाँ भाई ये बंदा तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट दे रहा है, कभी कैंप नहीं कर रहा है, तो भाई बंदा अच्छा ही होगा। तो अगर आप कैंप करके वहाँ पे बैठ जाओगे तो भाई बंदे सोचेंगे कि चार बंदे अपन चलते हैं सीधा मार देंगे इसको। तो भाई ऐसे में भाई देखो आपको मूवमेंट्स जो है ना अपनी देती रहनी है, फटाफट आपकी लोकेशन आपको बदलती रहनी है। जैसे ही आप एक बंदे को नॉक करते हो ना, तो ऐसा नहीं कि भाई वहाँ पे आप टीपी पे लेने लग गए, वहीं पे आप बैठ गए या फिर फिनिश करने लगे। ये जो बड़ी गलती है ना भाई, ये भी मैं बताऊंगा आगे चल की। तो देखो सबसे पहले तो मूवमेंट्स आपको करती रहनी है, और जैसे आपने एक बंदे को नॉक किया, फटाफट से भाई आपको अपनी लोकेशन बदलनी है, दूसरे बंदे को नॉक करना है, फिर से आपको अपनी जो लोकेशन है ना वो बदलनी है। तो ऐसे अगर आप खेलोगे ना, तो भाई वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप वो सिचुएशन में क्लच वहां पे कर जाओगे। ओके यार गाइस, तो सबसे पहले ये वाली जो क्लिप है ना, इसमें तुम नोटिस करना कि मेरा टीममेट है ना भाई कैसे यहां पे फिनिश होता है। तो भाई ये बंदे को तुमने अभी जस्ट देखा ना कि भाई इसको बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि इसके सामने से एक और बंदा आ रहा है, लेकिन जो इसका ओनली मोटिव था ना गेम में वो ये था कि जैसे तैसे करके मैं एक बंदे को यहाँ पे फिनिश कर दूँ, अपनी कीड़ी जैसे तैसे करके मैं सेव कर लूँ। लेकिन अगर यहीं पे भाई वो चाहता ना, तो इजीली मुझे भी यहाँ पे मार सकता था, क्योंकि तो मैं स्टेयर से आ रहा था एंड मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि आगे बंदा कहाँ पे होने वाला है। लेकिन फिर भी भाई उसने वो वाला रास्ता चुना जहाँ पे भाई उसके पास एक किला आ रहा था लेकिन एक क्लच नहीं आ रहा था। तो भाई सेम चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी ऐसी सिचुएशन में भाई आपको है ना फिनिश करने के पीछे नहीं भगना है। देखो भाई मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि आपको फिनिश करना ही नहीं है बंदा, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको फिनिश नहीं करना है जहाँ पे भाई आप खुद ही फिनिश हो जाओ। बंदा आपको दिख रहा है, आप फिनिश कर सकते हो उसको बिना खुद को डैमेज लिए, तो उसको कर दो भाई फिनिश, मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे भाई खुद की पेटी अगर बन जाती है ना, तो बिल्कुल भी वो सिचुएशन में आपको पढ़ना ही नहीं है, फिनिश नहीं होने देना है खुद को। ओके यार गाइस, तो देखो इस वीडियो के लिए तो इतना ही था, लेकिन अभी जो आने वाली वीडियोज़ है ना भाई 1v4 सिचुएशन से रिलेटेड या फिर गेम से रिलेटेड, तो भाई उनमें मैं पर्टिकुलर एक सिचुएशन को लेके बताऊंगा कि हाँ इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो उसके लिए देखो भाई करना कुछ नहीं है, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। एंड देखो ये वीडियो अगर पसंद आई है तो उसके लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग।